الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی کچھ متفرق آیات میں نے پڑھی ہیں. انہی آیات کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں. مسلمان ہندوستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں جن حالات سے دوچار ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمیں کیا کام کرنا ہے اور ہماری کوتاہیاں کیا ہیں. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے, اپنے عقیدے اور عمل کا جائزہ نہیں لیں گے, اس وقت تک ہمارے سامنے ہماری کوتاہیاں نہیں آئیں گی. ہم جس غفلت کی زندگی میں اس وقت ہیں اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حالات کا احساس ہی نہیں ہے کہ حالات کتنے گمبھیر ہیں, کتنے نازک ہیں اور ہم دنیا میں کس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. جو قومیں دنیا میں ترقی کر رہی ہیں اور ہر میدان میں آگے جا رہی ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے, ایک بہترین لائحہ عمل ہمارے پاس ہے, بہترین دستور زندگی ہمارے پاس ہے, اس کے باوجود ہم پیچھے کیوں ہیں؟ وہ قومیں جو اللہ رب العالمین کی منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہیں, اللہ کے علاوہ بے شمار معبودوں کی عبادت کر رہی ہیں, وہ آج ترقی یافتہ قومیں ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو تاریخ بڑی شاندار ہے اور ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں
जो अपने बुज़ुर्गों और असलाफ के कारनामों को बयान करके खुश हो जाते हैं कि हमारा दौर ऐसा था, हमारी तारीख ये है, हमारे बड़ों ने ये किया है, हमने दुनिया में फलां फलां चीज़ें ईजाद की हैं, फलां फलां चीज़ें हमने बनाई हैं, इन बातों का जिक्र करके हम खुश हो जाते हैं। कभी हमने ये सोचा कि हमने क्या किया है, हमने क्या बनाया है और हमने किस हद तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है? असलाफ के कारनामों को हम कब तक बयान करते रहेंगे? बयान करने से जो तहरीक पैदा होती है, जज्बा पैदा होता है, आज वो भी हमारे अंदर नहीं है। तारीख बयान करने का एक फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी अंबिया की तारीख बयान की है, कौमों की तारीख बयान की है, और वो इबरत के लिए है, नसीहत के लिए है। लेकिन हम अपनी तारीख से भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं जो हमारे हालात हैं। आप जानते हैं कि इस मुल्क में जिन तंजीमों को हम रात दिन कोसते रहते हैं, उन्होंने अपनी कौम के लिए कितना काम किया। सिर्फ एक तंजीम आरएसएस जिसका नाम है 1925 में कायम हुई, 90 से ज़्यादा बरस गुजर चुके हैं। उस तंजीम ने मुसलसल मेहनत की, हर शहर, हर गांव, हर बस्ती में स्कूल खोले, पाठशालाएं खोली, अपने नौजवानों को मुनज़्ज़म किया, उन्हें वर्जिश पर लगाया, एक नज़रिया पेश किया, एक मकसद उनके सामने रखा, और आज वो मुल्क के हर इदारे के अंदर उनके लोग मौजूद हैं। चाहे अदलिया में हो, हुकूमत में हो, सेक्रेटरीज की सतह पर वजारतों में हो, फौज में हो, पुलिस में हो, हर जगह उस नज़रिए के लोग मौजूद हैं जो नज़रिया उन्होंने पेश किया था। और ये नतीजा है उनकी मुसलसल मेहनत का। हम सिर्फ एतराज़ करके बैठ जाते हैं और ये कहकर के साहब मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ वो हो रहा है। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया कि हम खुद अपने कितने बड़े दुश्मन हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अदा न करके हम खुद अपने दुश्मन हैं। दूसरे का जो मंशा है, जो मकसद है, वो उस पर लगा हुआ। उन्होंने अपनी कौम को, अपने नौजवानों को तालीम से आरास्ता किया, हर मैदान में अपने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, और इसका नतीजा ये है कि आज उनके नज़रिए के लोग मुल्क में हर जगह मौजूद हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमने कितना काम किया है? दुनिया के तनाजुर में आप देख लें, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, यहूदियों ने 70-75 साल पहले फलस्तीन के इलाके पर कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली, और आज भी उस मुल्क की आबादी आप जानकर हैरान होंगे कि 1 करोड़ भी नहीं है, 85 या 86 लाख की आबादी है इसराइल की। लेकिन टेक्नोलॉजी, तालीम, साइंस में आज वो 1 नंबर पर है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में
बैंकों की साइबर सिक्योरिटी में सबसे अव्वल नंबर उसी मुल्क का है, पहला नंबर है। बेशुमार इजादात उनकी हैं जिनसे हम भी फायदा उठाते हैं रात दिन, ये मोबाइल है, इंटरनेट है और इसी कबील की जितनी चीजें हैं सब उन्हीं की इजाद है। आज दुनिया में व्हीकल सवारियां, गाड़ियां, स्मार्ट गाड़ियां बनाने में सबसे पहला नंबर है उस मुल्क का। ये सारी चीजें आजकल आपको नेट पर मिल जाएंगी कि कौन सी कौम कहां खड़ी है, क्या उसने तरक्की की है। हमारी तादाद इस मुल्क में 20 से लेकर 25 करोड़ तक है तकरीबन। हमने क्या किया है सोचें। हम 47 में मुल्क आजाद हुआ और अब तक हमने क्या किया। हमने कितने स्कूल खोले, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने फैक्ट्रियां लगाई, कितने कारखाने लगाए, कितने अस्पताल खोले, हमने क्या किया। हमारे कितने फीसद बच्चे तालीम याफ्ता हैं। तो मेरे भाइयों, जो कौम तालीम हासिल करेगी वो तरक्की करेगी। आज का दौर भीड़ अफराद की कसरत कोई माना नहीं रखती है। आज थोड़े से लोग भी अगर अपने सही रास्ते पर चलें और इस दुनिया में जिन मकासिद के लिए भेजे गए हैं उन मकासिद पर काम करें तो थोड़े से लोग भी अक्सर लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। हम सोचें हमने क्या किया है। हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर हम पर कोई पाबंदी नहीं है कि हम अपने तालीमी इदारे कायम न करें, हम फैक्ट्रियां न लगाएं, हम तिजारत न करें, हम हुनर न सीखें, टेक्निकल तालीम हासिल न करें। किसने पाबंदी लगाई है? न हमारा दीन रोकता है, न मुल्क का कानून रोकता है, कोई नहीं रोकता है, फिर भी हम कुछ नहीं करते। जो कौम आज मुल्क में तरक्की याफ्ता है उसके नौजवान सवेरे सुबह उठकर सैर व तफरी और वर्जिश करते हैं, हमारे नौजवानों का क्या हाल है? हमारे यहां तो सूरत हाल ये है, अल्लाह माफ फरमाए, कि किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो आपे से बाहर हो जाता है। उसे बर्दाश्त ही नहीं है कि थोड़े से पैसे आ गए हैं और वो बस उछला उछला और कूदता दुनिया में फिरता है, अपने से कम पैसे वाले को खातिर भी नहीं लाता। और क्या कुछ फजूल खर्चियां हम नहीं कर रहे। मुसलमानों की बड़ी तादाद आज शिर्क में मुब्तला है, शिर्क अकबर में मुब्तला है। बिदात और खुराफात हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है और हम उनसे पीछा छुड़ाने के लिए खुद भी तैयार नहीं। तो न दीन के हैं न दुनिया के। खसरत दुनिया वल आखिरा, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। ये कैफियत हम लोगों की। आज मस्जिदों का सही इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए भी थी, दरसे कुरान के लिए भी थी, दीन की तालीम भी वहां होती थी और मुसलमानों के तरक्की के मंसूबों पर भी वहां गुफ्तगू होती थी। मस्जिद मरकज होती थी मुसलमानों के तमाम मामलात के लिए। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, नमाजी तो मौजूद हैं लेकिन
जो असल मकसद है मस्जिद के क़याम का वो पूरा नहीं हो रहा। उलमा अइम्मा अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं। कौम की रहनुमाई की जो जिम्मेदारी उन पर आयद होती है उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, कितना ऐसा निज़ाम है हम लोगों का जो अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है कि पांच वक्त की नमाज में हर मोहल्ले और इलाके की मस्जिद में कई सौ लोगों को आना जाना होता। कई सौ लोग अगर हिसाब लगाए गिनती करें तो कई सौ लोग बैठ जाए जो फजर से लेकर इशा तक मस्जिद में आते और जाते। आए, नमाज पढ़ी, चले गए। क्या सीखा? नमाज भी बेरूह है, उसमें भी कोई रूहानियत नहीं है। जो हालत है हमारी नमाजों की हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारी नमाजें क्या हैं और हमें नमाजों से कितना फ़ायदा हो रहा है। तो मसाजिद का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मसाजिद तो मरकज होती हैं, मुसलमानों के मराकज हैं, ये हर तरह के मंसूबा बंदी के लिए। और मेरे भाइयों, मुसलमान अगर इस मुल्क में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसमें मुसलमानों का भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है। जिस मुल्क की रियाया, आवाम, शहरी तरक्की करते हैं वो मुल्क तरक्की करता है। तो हम सोचें थोड़ी देर के लिए कि हमने क्या किया है, क्या खोया है, क्या पाया है, हम इस हालत को क्यों पहुंच गए कि आज कहीं भी हमारा नंबर ही नहीं है, लाइन ही में नहीं है, बाहर है लाइन से। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो फरमाया, मैंने जो आयत पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस आयत को हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इस आयत का तकाजा क्या है उसे पूरा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें इस पूरी कायनात की इमामत के लिए भेजा है, लेकिन आज हम मुक्तदियों में भी बहुत पीछे की लाइन में हैं, अगली सफ में भी नहीं है। मेरी बातें मुमकिन है बाद लोगों को बुरी लगती हों और कुछ लोग समझ रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रहे, लेकिन मैं जो कुछ ये दर्द दिल अर्ज कर रहा हूं ये हकीकत है और इस पर गौर करने की जरूरत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन लोग हो। क्यों? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से रोकते हो। आज ये फरीजा हमने अंजाम नहीं दिया और न दे रहे, इसलिए खैर उम्मत की तारीफ के लायक नहीं है हम लोग। अल्लाह ने तो हमें खैर उम्मत कहा है, कुंतुम खैर उम्मत इन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए पैदा किए गए, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत ऐसी होती है जो हालात हमारे हैं, इन हालात में भी हम सुधरने के लिए तैयार नहीं, अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं, फर्द भी अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है और इज्तमाइयत भी अपनी इस्लाह के लिए तैयार नहीं। क्या हम अपने घरानों को, अपने खानदान को, अपने मोहल्ले को सुधार लें? बुराइयों में मजीद इजाफा है और बुराई की तरफ बड़े शौक के साथ हमारे नौजवान, हमारे बच्चे और बच्चियां जा रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं है, परवाह ही नहीं। तो ये एहसास कब पैदा होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहिनू वला तहजनू अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, गम ना करो, घबराओ नहीं, तुम ही सरबुलंद हो बशर्ते के मोमिन हो। यहां अल्लाह ताला ने इस आयत में उम्मते मुहम्मदिया को सबसे आला तरीन करार दिया, तुम ही सरबुलंद रहो।
وانتم الاعلون کہا, کہاں ہیں ہم اعلی, ہم کہاں ہیں, کہاں کھڑے ہیں, سوچیں ذرا. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالات تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خیر بیان کر دی ہے, ہم عمل تو کرنے والے بنیں, اسے اختیار تو بنیں اپنی عملی زندگی میں, تبھی تو ہم بہترین امت بنیں گے, تبھی ہم اعلیٰ بنیں گے, تبھی ہم اس دنیا میں ترقی کریں گے. لیکن نہیں, ہم تیاری نہیں ہیں. تو میرے بھائیو, دوسروں کا رونا رونے کے بجائے اپنے حالات پر رونے کی ضرورت ہے, اپنے حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم تو اس دنیا کی امامت کے لیے بھیجے گئے تھے, اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا ہے. کیا واقعی ہمارے اندر وہ خوبیاں, وہ اوصاف ہیں؟ میرے بھائیوں, ہم اپنے حالات پر خود غور کریں, اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں, آپ جہاں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہوں پہنچائیے, بیداری پیدا کیجیے اپنے ساتھیوں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے عزیزوں میں, اقارب میں, انہیں بیدار کیجیے, جھنجھوڑیے ان کو, کیا کر رہے ہو آپ بتائیے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان تمام سیاسی جھمیلوں سے ایک طرف ہو کر لگ جائے حصول تعلیم پر. آج اتنی آسانیاں ہیں کہ اگر کسی بچے نے دسویں کلاس پڑھ لی ہے, آگے نہیں پڑھ پا رہا ہے, دسویں کلاس کی بنیاد پر بھی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر سکتا ہے, سال دو سال کی کوئی ہنر سیکھ سکتا ہے, اس کے بعد اس کو اچھی جاب مل جائے گی. ٹیکنیکل تعلیم کے ادارے حکومت نے قائم کیے ہیں, اقلیتوں کے لیے اسکیمیں ہیں, وہ اسکیمیں ہم تک پہنچتی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون سی اسکیم ہے, اور ہمارے علاوہ جو دوسری اقلیتیں ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر علاقے میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, تعلیم یافتہ نوجوان ہیں, وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں, سرکاری اسکیموں کو عام مسلمانوں تک پہنچائیں, اور اس کے لیے بہترین مقام مساجد ہیں. بیٹھیں مسجدوں میں, ہفتے میں چاہے ایک گھنٹے کے لیے بیٹھیں, اور وہاں لوگوں کو اس بات کی طرف ترغیب دلائیں, اور بتائیں لوگوں کو کہ فلاں اسکیم ہے, فلاں اسکیم ہے, اس میں یہ فائدہ ہو سکتا, اس میں تم آگے بڑھ سکتے ہو. بہت کچھ چیزیں ہیں, فلاحی اسکیمیں موجود ہیں, ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے, کم تعلیم اس نے حاصل کی ہے, تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے. ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر, دستکاری حاصل کر کے, ہنر حاصل کر کے, بہت ساری چیزیں ہیں. آج چھوٹے چھوٹے کارخانے اور فیکٹریاں لگانے کی ضرورت ہے, مسلمان اس پر توجہ دیں, اپنے آپ کو اکانومیکل مضبوط کریں, اقتصادی طور پر مضبوط کریں, اور اسی کے ساتھ پھر رفاہی کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث کنز المال میں, خیر الناس من ينفع الناس, اللہ اکبر, خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنے, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. آج اگر مسلمان چھوٹے چھوٹے کارخانے قائم کر لیں اور مسلمانوں کو نوکریاں دیں, کتنے لوگ روزگار سے لگ جائیں گے,
इन तमाम चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। हम अपने दीन को भी सीखें, अकीदा तौहीद को मजबूत करें, शिर्क से बचें, बिदआत से बचें, गैर इस्लामी रस्म रिवाज से बचें, और गैर इस्लामी रस्म रिवाज में अपने पैसे को बर्बाद न करें, इसकी ज़रूरत है। रस्मों में जो पैसा खर्च हो रहा है उसे बचाकर इन कामों में खर्च करें, तालीम पर खर्च करें, रोज़गार पर खर्च करें, कारोबार पर खर्च करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। अगर दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी गुजारनी है, इज्जत का मकाम हासिल करना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहिए जिस जज्बे की रोशनी में हम ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए मेरे भाइयों, अपने हालात पर गौर करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपनी इस्लाह की कोशिश करें, और दुनिया में बसने वाली कौमों के मुकाबले पर हर तरह के मैदान में मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करें। मुकाबले का माना ये नहीं कि हमें किसी से लड़ाई करनी है, नहीं, हरगिज नहीं। मुसलमानों से ज़्यादा मनपसंद तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका दीन दीन इस्लाम है जो मुकम्मल सलामती है। मुसलमान किसी पर जुल्म नहीं करता, मुसलमान किसी से लड़ाई नहीं करता, लेकिन जब मुसलमान पर कोई जुल्म ज़्यादती करता है तो फिर उसे अपने दिफा का, अपने डिफेंस का इख्तियार है, और ये दुनिया का कानून है। इसलिए मेरे भाइयों, मुकाबले का माना ये है कि हम किसी से पीछे ना हो बल्कि आगे बढ़ें। और किसी दानिश्वर ने कहा था कि एक शख्स एक लाइन खींचता है, मान लीजिए इतनी लंबी लाइन खींच दी इस लकड़ी के बराबर, फसा के बराबर, अब आप उसे मिटाने में लगेंगे तो आपका वक्त ज़ाय होगा, मुमकिन है ना मिटा सके। अगर इसे बेअसर करना है तो इससे लंबी लाइन खींच दीजिए, अगर इस लाइन को बेअसर करना है, यही मुकाबला है, तो इससे लंबी लाइन आप खींच दीजिए। तो आज लंबी लाइन खींचने की ज़रूरत है कि हम हर मैदान में एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और सही माना में गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहू